पे हूँ और जी काफी हील अप हो गया था मेरा घुटना। लेकिन कल ऐसा हुआ, गुरु जी बाथरूम में मैं बहुत जोर से फिसल के गिर गई तो वापस से उल्टा हो गया। जितना रिकवर किया वापस से और भी टर्न हो गया। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है गुरु जी कुछ तो है नेगेटिव जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे पा रहा है। मतलब द टाइम व्हेन इट स्टार्ट्स रिकवरिंग मुझे ऐसा लगता है समथिंग इज पुलिंग मी बैक और वो उसी कंडीशन में ले जाके मुझे खड़ा कर देता है वापस से। ठीक तो इसके लिए मैं आपसे एडवाइस लेना चाह रही हूँ गुरु जी, क्या है। सबसे पहले करना? चीज तो देखो, आपने अभी 21 डेज को जागृत किया है सब लोगों ने। ओके, हाँ जी सबसे बड़ी चीज ये है कि नाउ यू नीड टू यूज दैट। ओके, जब तक आप आप जिस पावर का आह्वान कर रहे हो उस पावर के ऊपर आपको थोड़ा सा बिलीव भी होनी चाहिए, थोड़ा सा फेथ भी होनी चाहिए, प्लस उसको आपको अच्छी तरह से एक एक गाइड के रूप में उसको बोलो कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। उसको ना क्लियरली आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि आपको, मान के चलो ये जो आपकी पेड़ है सो दैट इज अ बाई प्रोडक्ट। ओके, रियल प्रॉब्लम वो चीज नहीं है, पेड़ नहीं है। रियल प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज आपको हमेशा वही जगह पे लेके, आई मीन बैक लेके आता है, रियल प्रॉब्लम वो है। ओके, तो उसको हटाने के लिए आपको एथी को अच्छी तरह से बोलना पड़ेगा कि नाउ आई वांटेड टू रिमूव दिस थिंग, आई मीन फ्रॉम माय सिस्टम। जो भी एज मुझे तकलीफ हो रही है, तकलीफ दे रही है, उसको एज अ हटाना है पहली चीज। तो दूसरी चीज, ओके, कहीं ना कहीं पे वहीं पे आपके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रिगर होगी जो आपकी सबसे कमजोर नस है। जब भी नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट करेगा वो कहाँ पे करेगा, आपकी जो सबसे शरीर की सबसे कमजोर नस क्या है। ओके, तो सबसे कमजोर नस के ऊपर ही है ना वो चीज करता है, अटैक करता है। तो इसका मतलब है कि नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ योर, आई मीन सिस्टम। आपके सिस्टम की सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है? वीकेस्ट पॉइंट वही है, यस, जहां पे उसका अटैक हुआ है। इफ यू आर मेंटली वीक, यस ऑब्वियसली सो दैट द इफेक्ट विल बी ऑन योर, आई मीन मेंटलिज्म। इफ यू आर इमोशनली वीक, नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? वहीं पे होगा जहां पे आप इमोशनली वीक हो। एंड इफ यू आर फिजिकली वीक, वहीं पे होगा जो आपकी सबसे कमजोर नस है, क्योंकि उसको तो आपको गिराना है ना जैसे भी तैसे। तो उसको आपको आगे बढ़ने के लिए रोकना है। नाउ अगर आप रुक गए, मान के चलो अगर आप रुक गए तो उसका फायदा किसको होगा और उसकी घाटा किसको होगी, राइट? ओके, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। ओके, हमारे लिए ये जो सिंपल कैलकुलेशन है ना लाइफ की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव एनर्जी कभी भी अटैक करेगा, कहाँ पे करेगा? आपकी सबसे कमजोर नस के ऊपर अटैक करेगा। और आपके लिए सबसे कमजोर नस क्या है? वहीं पे तो अटैक करेगा ना, ठीक है ना? सो दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन यू आर डूइंग एनी साधना, इसका मतलब है आपने अभी तक वो जो चीज था उसको छेड़ा नहीं था। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग। मान के चलो, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, एक छोटी सी एग्जांपल, आई मीन आप लोगों को बताया था, आपके घर में जाले लगे हुए हैं बहुत सारी। ओके, और एक जो जो मकड़ी है वो मकड़ी ना अपने सारे के सारे फोर्स लगा के वहां पे कितने वो चीज, आई मीन कितने साल लगा के उसने आपके घर में जाले लगाए। आपने किसको बुलाया? एती को बुलाया। अब एती ने ना उस जाले को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। बेचारा मकड़ी ने कितने साल लगा के आपके घर में जाले बनाए थे, आपने तोड़ दिया, तो क्या वो मकड़ी ने आपसे खुश हो जाएगी क्या? क्लियर है ना? तो ना इसका मतलब है ना, उस मकड़ी को ना ऐसा गुस्सा तो आएगा आएगा ना, पर गुस्सा और जोर से आपके ऊपर एक बार
ट्राई करेंगे। दूसरी चीज, आपने अभी तक उसके ऊपर हाथ नहीं डाला था, पहली बार आपकी एनर्जी ने उसके ऊपर धक्का मार दिया, यू आर फाइटिंग विद दैट थिंग पहली बार, ओके, क्योंकि आपके लिए लड़ने के लिए अभी तक कोई भी नहीं था। आपके क्या करते थे अभी तक, आप डिफरेंट एनर्जी को कॉल करते, डिफरेंट एनर्जी को बुलाते थे, एज अ खुद ही एज अ मीडियम बन के करते थे, या फिर कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को एज अ प्रोटेक्ट कर लेते थे, मगर यू डोंट हैव एनीवन टू फाइट फॉर यू। पहली बार आपके टीम में ओके आपसे भी सवा शेर आ गया है, आपके टीम में आ गया है। अभी एक ना शुरुआत में ना, फिर यू डोंट नो कि आपको उससे कम्युनिकेशन कैसे लेना है पहले चीज, क्योंकि ना तो आप उसको जानते हो ना तो वो आपको अच्छी तरह से जानता है, ओके, तो उसको ना एज ए बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा टाइम अवश्य लगेगा। इम्पोर्टेंट ये है कि नाउ व्हेन दैट इज इन योर टीम, व्हाई डू यू नीड टू वरीड फॉर, ऑब्वियसली अगर आपको वो तो बचाएगा बचाएगा, अगर ये कि यू नीड टू टेल देम अ प्रॉपर, यू नीड टू टेल देम अ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कि उसको क्या करना है। मान के चलो आप एज अ बस में बैठ रहे हो, ओके, आप बस में हो और आपने बस के जो ड्राइवर ने पूछा आपको, आपको जाना कहाँ पे, आपने बोला मुझे पुणे नहीं जाना है, मुझे मुंबई नहीं जाना है, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, ओके, और मुझे हैदराबाद नहीं जाना है, मुझे देहरादून नहीं जाना है, ओके, मुझे कोलकाता नहीं जानी है, मगर आपने ये चीज नहीं बताया कि उसका आपको जाना कहाँ पे है। Until and unless you are clear कि आपको क्या चाहिए, and you have to command that. अभी तो मान के चलो अगर आपने 21 days regularly किया है, उसको आपको बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इति को इति आपकी बात सुनेगा, मगर ये कि उसको आपने कितने परसेंटेज उसको आपने सिद्ध किया है, वो तो ज्यादा नहीं कर पाई हूँ येते वाला, बट वो जो लामा फेरा वाला जो मंत्र है वो मुझे आपका मिल गया कहीं से, वो मैं करते हुए मुझे शायद 30 डेज से ज्यादा हो गया। देखो पहले से लामा फेरा मंत्र के लिए मैंने 41 डेज बोला था, ओके, बट वो कर रही हूँ सर, उसमें मैं 21 टाइम्स कर रही हूँ। यहाँ पे इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि ये ना शैमनिज्म क्लास है, ये एटी की क्लास है, और आप एटी की साधना नहीं कर रहे और लामा फेरा की बात कर रहे हो, तो ना थोड़ा सा ना फिर है ना, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एटी की बात कर रहे हैं, एटी को जागृत करके उसको कैसे यूज करने की बात कर रहे हैं, लामा फेरा के मंत्र की यूजेस कैसे करना है, तो फिर लामा फेरा के क्लास में आएगा ना सारू जी, ठीक है। सर अभी के प्रॉब्लम के लिए मैं कैसे कंसल्ट करूं, मतलब मुझे पता कैसे चले किसने क्या किया है, मुझे थोड़ा सा एप्रोक्सीमेशन है कि हमारे नोन में है कोई जिसने कुछ किया है, तो मैं उसको ट्रेस कर सकती हूं क्या? देखो पेरिस इज टू अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग, ओके एवरीवन, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन अभी चारू जी ने पूछा है, दिस इज द सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरीवन जो साक्स में, हर बार आप यही क्वेश्चन पूछते रहते हो, ओके ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गिविंग द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 96-97% ऑफ द ब्लैक मैजिक इज डन बाय द पीपल हु आर नियर यू, पहली चीज, ठीक है ना। नाउ ये तो फैक्ट है, फैक्ट इसलिए है, मान के चलो बाहर के व्यक्ति को आपके ऊपर जेलेसी करके आपके ऊपर करके उनको फायदा क्या, ऑब्वियसली राइट, ओके, और आपके जलने वाले कौन कौन होते हैं, अपने ही तो होते हैं, बाहर के लोग तो और ज्यादा आपको सपोर्ट करते हैं ना, एटलीस्ट आप एज अ ऊपर आ जाओ, आप एज अ थोड़ा सा अपने आपको मोटिवेट करो, ऑल दोस पीपल विल ऑलवेज हेल्प यू, क्लियर है एक चीज। यहाँ पे ना एटलीस्ट दिमाग में रख लेना, 96-97% ऑफ द जितने भी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट आपके लाइफ के ऊपर होती है, दैट इज डन बाय कौन, that is done by your own relatives, clear, pehli cheez, everyone clear, sab log clear hai na, agar clear hai to please write clear on the chat box, kyunki maine yahi cheez na us
वीडियो में भी डाला था, मगर मुझे लगता है कि आपने ना उस वीडियो को अच्छी तरह से रिवीजन नहीं किया है। ठीक है ना, क्लियर राइट? ओके, नाउ सेकंड चीज, अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत आती है, आपकी लाइफ में कोई परेशानी आती है, ओके, आपके फैमिली के ऊपर कोई भी परेशानी आती है, जो वही व्यक्ति है जो जिसको ना सबसे पहले आके आपको हेल्प करना है, तो ना उसके साथ ना हम पंगा नहीं ले सकते पहली चीज, ठीक है? दिस इज सेकंड चीज, क्लियर? Now, third चीज, this is the most important thing, okay? मान के चलो आपके घर में, आपके चौराहे में, आपके जो आप जहां पे भी रहते हो ना, वहां पे एक चोर है, किसी को भी पता नहीं कि चोर कौन है, तो ना वो चोर ना खुल्लम खुल्ला नहीं आएगा, वो छुप छुप के आएगा, छुप छुप के बाहर करेगा। अगर सब लोगों को पता चल जाए, okay, कि चोर कौन है, तो ना आप उसको ना छुप के आने की जरूरत नहीं है, वो दिन दहेड़ के आके ना वो डंका मार के चला जाएगा और धमकाएगा। इसका मतलब अगर आपको पता चल जाए कि किसने किया है, 100% वहां से ना आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी 90% टाइम्स। ठीक है, कितना? 90%। तो ना अगर आप 90% अभी जितना प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, अगर आप उसके रिवील करते हो, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 90%, 100%, इसको ना लिख लो। जब तक आपको पता नहीं है, उसकी इफेक्ट विल बी 10%। नहीं तो मान के चलो बहुत सारे लोग ने ना आपके ऊपर क्या क्या किया, लेकिन आप अभी तक बचे हुए हो ना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किसने किया है। जब जिस दिन पता चलेगा ना, मान के चलो वो 2 साल के बाद उसकी एनर्जी खत्म हो गई, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई, और वो ना आदमी बदल भी गया, मगर आपके दिमाग में तो है, आप तो हमेशा उसको वही रूप में ही देखोगे। फिर तो इट इज बेटर नॉट टू नो देम। ये आपके लिए अच्छी है, अगर आप जानते हो तो आपके लिए दिक्कतें होगी, आपके लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए नहीं जानना चाहिए कि किसने किया है। बट 96-90% cases, this is done by the near people. अबे कौन किसने किया है, okay? तो इसलिए ना गुरु हमें रिवील करना नहीं देते। पहले क्या होता था, जब एज नेपाल में ना जब हम थे, तो उस टाइम पे उस प्रकार के रूल्स भी नहीं थी, हम लोगों को दिखा देते थे उसके फेस पानी में, दिखा देते थे कि कौन है। दूसरी चीज, वहां पे एक चीज होता था कि अगर अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, गरमा गरम चीज ना आपको यहाँ पे मारते थे, ओके, गरम गरम लोहे की चीज मारते थे, मगर नेक्स्ट डे ना आपको ठीक हो जाता, मगर जिसने किया है ना उसका सूज जाता था ऊपर। तो ना उस प्रकार की विद्या अभी भी है, मगर है कि ना अभी उस प्रकार की चीज अलाउडेड नहीं है नेपाल के न्यू रूल्स के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना उस प्रकार के चीज को एज अ क्या चीज कर दिया, मिसयूज कर दिया। ठीक है सर, इस चीज को हम कट कैसे करें? वो जो कर रहे हैं वो करते जाएंगे, 21 डेज की साधना बोला था, अभी तक वो नहीं किया है, तो फिर आपको कट कौन कराएगा? देखो मान के चलो कर्म आपकी है, आपके कर्म को मैं लेके मैं कट क्यों करूं, बताओ? सिंपल सी चीज है ना, अगर आपको कुछ चीज आ रही है तो दैट मींस देयर इज सम टाइप ऑफ कर्म यू हैव, राइट? यस। तो ना वो कर्म जब तक आप भुगतोगे नहीं, आपको भुगतना तो है, ओके, उसको कम किया जा सकता है। अगर आपको 10 साल सफरिंग था तो उसको 10 महीने बना जा सकता है। अगर 2 जन्म आपकी सफरिंग थी तो ना उसको 20 साल तक किया जा सकता है, मगर उसको ना टोटली कट कोई भी नहीं कर सकता। नहीं तो ना उसका कट करने का मतलब है कि जो बंदा करेगा उसको लेना पड़ेगा ना फिर,
तो फिर व्हाई शुड आई टेक दैट कर्मा ऑफ फ्रॉम यू? आपकी कर्म रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपकी है ना, क्लियर है ना? इसलिए लड़ना भी किसको यहाँ पे ना, इसलिए मैं आपके लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आपको लड़ना सिखा रहा हूँ कि सो दैट कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आए आप उसका मुकाबला कर सके, खुद से खड़े होके बोल सके कि देख भाई अब मेरे पास सेती है, मेरे पास भी लड़ाकू है, मेरे पास क्या बोलते हैं यहाँ पे अंडरटेकर है या फिर ब्लॉक लेसनर है शायद, उसको ना आप अच्छी तरह से जानते होंगे, या फिर खली बोलते हैं ना यहाँ पे एक लंबा सा भीम। ओके, सो इति इज वन ऑफ द प्योरेस्ट क्रिएचर, प्योरेस्ट क्रिएचर, इतना प्योर है ना, प्योरेस्ट क्रिएचर। ठीक है ना, सब लोग क्लियर है यहाँ तक? इफ यू आर क्लियर राइट क्लियर ऑन द चैट बॉक्स। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे यति को हमें कोई चीज रिक्वेस्ट करनी है कि हमारी हेल्प करने के लिए, क्या उसके लिए सर कोई विधि या कुछ चीज पैटर्न हमको यूज करना पड़ेगा, या खाली भावनाओं में उनसे बातचीत है मेडिटेशन में? सबसे पहले चीज तो ये कि भाव से बढ़कर ना कुछ भी नहीं हो सकता। करेक्ट सर, है ना, भाव से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। पहली चीज तो यही है, लॉजिक हमें समझ आती है, ग्रामर हमें समझ आती है। मान के चलो आप किसी को देखते हुए आंख से आंसू टपकते हैं, आप उसको क्या बोले कि आप अब दुखी हो क्या, या फिर आप गुस्से में हो क्या, या फिर आप क्या हो? मगर यू कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग ऑन द वर्ड्स ना, देर आर मेनी थिंग्स दैट हैज टू बी फील। ओके, दैट हैज टू बी फील ओनली बाय द हार्ट, वो ना केवल आत्मा का आत्मा ही ना उसको फील कर सकता है। पहले से वो केवल आपकी जो 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 मन है ना वो ही उसको फील कर सकती है। हम लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक तो किसके लिए, लॉजिक या फिर जो भी आप ग्रामर बना रहे हो उस ग्रामर का टाइम पीरियड कितना है, 5000 ईयर? उससे पहले तो ग्रामर तो नहीं था, 10,000 ईयर होगा। मगर एति तो उससे पहले भी तो था ना, लोग तो उससे पहले भी तो थे, जब से ग्रामर बने हैं, जब से हमने शब्द को यूज किया है उससे पहले भी तो थे ना। दूसरी चीज देखो, प्रेम से बढ़कर ना लाइफ में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो ना उस प्रकार के डिवाइन को बांध सके या फिर हमारे साथ में रख सके। लाइफ में अगर बढ़कर सबसे बड़ी चीज है वो ना केवल प्रेम है, प्रेम ना वो उसको खींच देता है आपकी तरफ। अगर दिक्कतें हैं कि आप उससे बिजनेस कर रहे हो या फिर उसके प्रेम कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोग ना बिजनेस करते हैं, दिक्कतें हैं, डिवाइन से बिजनेस करते हैं। ओके, मैं आपको ना एक लड्डू चढ़ाऊंगा गणपति जी, मेरे लिए कर दीजिए, मैं आपको घर में बिठाऊंगा एक महीने के लिए, आप मेरे लिए ऐसी कर दीजिए, मैं ना वैष्णो माता मैं ना आपकी उसमें आऊंगा, मेरे लिए फलाना काम कर दीजिए, मेरे बेटे के साथ ही कर दीजिएगा, मेरे के लिए ये चीज कर दीजिएगा, मैं 41 डेज का साधना कर रहा हूँ मेरे लिए चीज कर दीजिएगा, है ना? सचमुच में साधना नहीं है, ये बिजनेस है। सॉरी टू से बट आई मीन यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू आर डूइंग। तो मास्टर भोग देना नहीं है फिर बिजनेस? आप खुद ही तो कहते हैं कोई भी शक्ति आती है वो भोग ले, वो उसको भोग देना ही पड़ता है। यस समीर जी, मैंने क्या बोला, अगर आपके पास देते हो, ओके, शक्ति आती है, मान के चलो अमित जी मैं आपके घर में आया, ओके, अगर आपने मुझे पानी भी नहीं पूछा, आपने मुझे थोड़ी सी खाना भी नहीं पूछी, तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। सिंपल सी बातें हैं। पर मैं प्रेम ही करता जाऊं, मतलब प्यार से आइए बैठ, जैसे आजकल के लोग यही करते हैं, आइए बैठिए बैठिए चाय पी के जाइए, पिलाते कुछ भी नहीं है, बस कहते रहते हैं, तो वो भी तो नहीं ना मास्टर बात। तो नहीं, इसलिए ना मैंने क्या बोला, वो लॉजिक है ना सर, लॉजिक क्या है कि बैठ जाइए मैं आपको ये करूंगा वो करूंगा, वो क्या है, वो तो वो लॉजिक हो गई ना। आप अगर प्रेम से करते तो ना, प्रेम का मतलब क्या है कि आप अपने से ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं, आप अपने से ज्यादा उसके बारे में फिक्र करते हैं,
सबरी ने जिस तरीके से राम को प्रेम किया, क्या हमारे अंदर उतनी हिम्मत है कि हम अपने खाने, ओके, मेनी टाइम्स शायद आपने आपने देखा होगा, अगर हम जो अगुरियों की पूजा होती है, ओके, जब हम एज अ थामसिक पूजा करते हैं माता को, पहले खुद खाते हैं, वो खाने के बाद जो जो रहता है ना मुख में वो चढ़ाते हैं। अगर हमने जब शराब भी चढ़ाना हो तो शराब भी पहले लेते हैं वो चढ़ाते हैं। इवन हमारे गुरु के साथ भी ये चीज होता है कि जब भी जो मैं पर्सनली चिलिम वगैरह या फिर दारू वगैरह कुछ भी लेता नहीं, मगर गुरु को देना होता है तो पहले खुद बना के लेके फिर जो गुरु को करना होता है, समर्पित करना होता है। अगर हम लॉजिक लगाते कि मैंने मैंने जूठा डाल दिया तो इसलिए ना यहाँ पे लॉजिक नहीं चलती। अमित जी क्लियर हैं? यस 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 मंसूर। ओके, तो इसलिए ना बहुत बार मेनी टाइम्स ना, ओके, तो माता ना अभी जब आप स्वयं ग्रहण करके उसको दे रहे हो, माता कितनी खुश होगी। देखो मान के चलो यहाँ पे कितने मदर्स हैं, ओके, कितने माँ हैं, ओके, जो जब तक ना उनको अपने बच्चे की जो जो झूठी चीज ना खाए ना, उनको हजम नहीं होता खाना। दे फुल लव व्हेन दे गेट आई मीन समथिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ देयर चिल्ड्रन। माता के लिए फीलिंग साथी है ना, जो ना बच्चे खा रहे हैं, ओके, अगर उसने गिरा भी दिया फिर भी आप उसको खा लेते हैं ना, खा लेते हैं। मदर है यहाँ पे, बच्चे होंगे आपके, हाउ डू यू फील इट? जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया है, अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग, ओके, जो जो रूल्स एंड, ओके, जो रूल्स एंड रेगुलेशन ना आप लोगों को सिखाया गया है अब तक, और ना आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है वो चीज सिखाया गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब तक हम उस चीज से डिमांड से प्यार नहीं करेंगे, हम जो देंगे वही तो वो फिर हमें भी देगा। अगर हम बिजनेस करेंगे तो डिवाइन भी तो बिजनेस करेंगे ना फिर। अगर आप प्यार करेंगे, उसको उसको रक्षा करेंगे, और आप और ज्यादा उसके ना उसमें आ जाएंगे और बड़ी सी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। तो इसीलिए देयर आर मेनी, आई मीन आजकल के लाइफ में बहुत सारे कम लोग ऐसे मिलते हैं जिसको ना हम प्यार कर सके या फिर प्यार करते हैं। ज्यादा से ज्यादा केस यही होता है कि हम दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, रियलिटी यही है। जब तक काम है तब तक ठीक है, अब काम खत्म तो फिर एज ए रिलेशन भी खत्म। मगर अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आपके लाइफ में ना, ओके, अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग ऑफ लाइफ, जब आपके लाइफ में ना यू मीट सम डिवाइन या फिर यू मीट समवन जिसको देख के लगता है ना कि आई मीन आई हैव अ डीप रिलेशन विद दिस व्हीवर दैट इज, ओके, यू फील अ वंडरफुल थिंग। यू कैन नॉट कंपेयर ऑल दोस थिंग ऑन अ वर्ड्स। यू कैन नॉट हैव वन सिंगल रिलेशनशिप, क्योंकि वी कैन नॉट एक्सप्रेस ऑल दैट रिलेशनशिप विद दैट पर्सन ऑन दिस, आई मीन टुडे कॉन्टेक्स्ट। आज की कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सारे के सारे चीज बिजनेस हो गया है। हो सकता था कि उसके साथ हमारे संबंध 50,000 साल से चल रहा हो, तो 50,000 साल से अगर उसके साथ अगर हमारी संबंध चल रही हो तो हजारों साल ना कभी आप माँ बने होंगे, कभी आप बेटे बने होंगे, कभी आप हस्बैंड बने होंगे, कभी आप वाइफ बने होंगे, कभी आप फादर बने होंगे, कभी आप भाई बने होंगे, कुछ भी तो बन सकते हैं ना। ऑल दीज आर द फिजिकल थिंग्स, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी सोल टुगेदर आ रही है, आपकी सोल फिर से आके मिल रही है। दूसरी चीज, ओके, व्हाई आई एम टेलिंग दिस, ओके, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके, हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको कोई मिले जो जिसके साथ आपकी जन्मों जन्म की रिलेशन है, पर आप ना वहां पे ना अपनी एज अ कॉन्शियस माइंड नहीं लगा सकते कि कॉन्शियस माइंड ना और ज्यादा आपके ऊपर ना एज अ कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। अभी इस लाइफ में आई एम दिस,
यू आर दिस, आई एम हियर, यू आर हियर, लाइक दिस, नो सारे के सारे कचरा नहीं चाहिए. रिलेशन इज प्योर, रिलेशन इज द रिलेशन फ्रॉम द सोल. और यही संबंध किसके साथ है? एथी के साथ है. अगर जब तक आप पहले की लाइफ में एथी के से कनेक्टेड ना हो, तब तक इस लाइफ में आपको एथी साधना नहीं मिली, नहीं मिलती. देर आर मेनी पीपल जिसको साधना मिली है फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं. देर आर मेनी पीपल उसको दिक्कत आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ना उनके अंदर वो एति की कर्म बची हुई है. संबंध है ओके, बट ये है कि जब तक ना आप उस लाइफ की उस कर्म को क्लीन नहीं करोगे, जब तक उस लाइफ की उस कर्म को आप साफ नहीं करोगे, एति की कृपा आपको नहीं मिलेगी. नाउ अंडरस्टैंड ओके, मैं इसको दूसरे उदाहरण से भी देता हूं. आपने सुना होगा मेनी टाइम्स जब ना देवता दूसरे देवता को श्राप देते थे या फिर अप्सराओं को श्राप देते थे, दे कम टू द पृथ्वी लोक राइट. जब तक ना वो अपने श्राप को कंप्लीट ना करे, दे कैन नॉट गो बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म. इफ सम पर्सन इज ऑलवेज सैड, इसका मतलब है कि उसने किसी ना किसी को तो सैड किया होगा ना. जब तक ना उसकी उस वो कर्म को क्लीन नहीं करेंगे, तब तक ना इस लाइफ से भी वो चीज कट नहीं होगी. बट एथी कैन हेल्प यू. यही तो कंडीशन है जहां एथी आपको मदद कर सकता है, जहां पे एथी आपको हेल्प कर सकता है कि आपकी पास्ट को कटने के लिए. ओके, दैट इज वन थिंग. नेक्स्ट थिंग, मैंने यहां पे ना पास्ट के बारे में थोड़ा सा छेड़ दिया है, बट रिमेंबर वन थिंग ओके, जब तक हो इफ पॉसिबल आपको पास नहीं जाना है, आपको पास में नहीं जाना है. जितना कम आपको पास में जाएंगे आप उतना हैप्पी रहेंगे, क्योंकि अगर आप पास में जाते हो और अपने लाइफ की हैप्पीएस्ट मोमेंट को देखते हो या फिर अपने गुड कर्म को देखते हो, वो कर्म भी आपके साथ लेके आएंगे, गुड कर्म. मगर आप अगर आप देखते हो कि पास के बैड कर्म को देखते हो ना, लाइफ लॉन्ग के लिए ना उसके कर्म को भी फिर आपने खींच के लेके आए. नाउ टेल मी, जो आपकी कर्म को लेखा जेखा करने वाला कौन है? चित्रगुप्त है ना राइट. चित्रगुप्त, चित्रगुप्त का मतलब क्या है? चित्र प्लस गुप्त, पिक्चर, योर इंटेंशन. आपने किस पिक्चर को देखते हुए किस इंटेंशन के साथ वो कर्म किया है. ओके, नाउ सो लेट अस डू अ मेडिटेशन. आज के लिए ना थोड़ा सा हम बाहर की टॉपिक्स में ज्यादा बह गए हैं ओके, क्योंकि ना जब एति के साथ रिलेशन की बात आती है, जब आप एति के साथ प्रेम की बात आती है ओके, आपको थोड़ा सा चीज समझना जरूरी है. प्रेम ही एक ऐसी कड़ी है तो ना किसी को भी जोड़ देता है, ये देवता को मानव से जोड़ सकता है, नर को नारायण से जोड़ सकता है, हर को हरि से जोड़ सकता है. क्लियर है? सो मेक योर बैकबोन स्ट्रेट. Your backbone should be straight. Take a deep breath. चांद कसके काली 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 कसके काली. आपकी आंख बंद रहनी चाहिए. काला
कस्ति काले 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 क
More faster. और ज्यादा स्पीड से मूलाधार चक्र आपकी जो रूट चक्र है वहां पे चांद द एति सामयिक मंत्र रूट चक्र आपके रूट चक्र में सामयिक मंत्र को चांद करें। आंखें बंद ही रखें आप रूर चक्र में नाउ आप कल्पना करें कि इमेजिन दैट ऑन योर रूट चक्र आंखें बंदी रखें देयर इज एति वहां पे एति है आपके रूट चक्र में एति है और आप उस एति की पूजा कर रहे हैं
टू द मेंटल फोर्स ऑफ एति और रूट चक्र. Now, कल्पना करें कि आपके रूट चक्र से इति थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो रहा है. इति इज इंक्रीजिंग. The size of एति is becoming exactly like your. आपकी साइज जितने हैं एति की साइज भी उतना ही हो रहा है. Now there is a connection between your soul and the soul of एति. जैसे लग रहा है कि एति आपके अंदर ही है और जैसे जैसे एति बड़ा हो रहा है आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकल के जा रही है कि वहां पे एति सबको ठोक ठोक के हर एक जगह पे नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकल रहा है. जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर है एति सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंक रहा है. जितने भी आपके पेन है सारे के सारे पेन को भी एति बाहर फेंक रहा है.
आपके अंदर के जितने भी नेगेटिविटी है, आपके अंदर के जितने भी तो डिजीजेस हैं, सारे के सारे चीज को ऐसे निकल रहा है. गिव दैट स्पेस. जहां पे भी आपको हीलिंग की जरूरत है, यदि वहां पे हीलिंग दे रहा है. Slowly take AT back to your Muladhar Chakra. फिर से AT को Muladhar Chakra में लेके जाएं. Rub both of your hand. Put that into your Muladhar Chakra. अपने root chakra में लगाएं उसको. Again, rub both of your hand. Put that into your heart chakra. Again, rub both of your hand. Create a fire in your hand. Put that into your eyes and your forehead. Looking at your palm, slowly open your eyes. आप लोगों के खिले हुए चेहरे बहुत कुछ बयान कर रहे हैं. You can have a drink of water. आप वो चीज कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं. So this is the last class on the series of level first. Okay, so a new level second shamanism is going to be start from 21st. Okay, I was supposed to do it by 15, but 15 se jo level first ki same sadhana ho rahi hai. Okay, from 21st there will be the level second of shamanism. Those who has completed this in 21 days palaces. Dusri cheez, from after few days Lama Fera First is going to start. और शायद आप लोगों को ऑलरेडी, अगर आप फेसबुक में हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि from 22 there will be the end days Gupta Navaratri Sadhanas. Okay, and Gupta Navaratri Sadhana में हमेशा करते आ रहा हूँ and people has a wonderful result. और Gupta Navaratri Sadhana especially योगियों के लिए है. हमें that is not for a normal people. क्या उनके लिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के टाइम पे आपकी साधना विल बी इंटेंस. तो यहाँ पे ना आई विल बी टेकिंग यू 10 डेज रेगुलर क्लास. ओके, फॉर 10 डेज शाम को 9 बजे से आपके क्लास स्टार्ट होगी, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक हर रोज फॉर 10 डेज. आई होप दैट यू हैव एंजॉय द जर्नी ऑफ लेवल फर्स्ट ऑफ शैमनिज्म. And I hope that you are, able to connect yourself with Deity. बहुत सारे लोगों का ऐसा अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज आया था. आई एम रियली सॉरी कि मेरे ना एज अ टाइम के व्यस्तता के कारण अगर मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया है या फिर रिप्लाई नहीं दिया है तो मुझे एक बार फिर से उसे कर दीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा. ओके, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा. जैसे हाँ जी, 21st को सर टाइमिंग्स क्या रहेंगे क्लास के? सर टाइमिंग विल बी द सेम, अभी होगा. आई मीन जो शैमनिज्म क्लास विल बी ऑन द डे. सर रीजन इज कि उस दिन सूर्य ग्रहण है 4:45 बजे तक. सर इसलिए तो सूर्य ग्रहण के दिन से ही तो स्टार्ट कर रहे हैं ना सर. नहीं सर, एक्चुअली ना उस टाइम पे उस पीरियड में साधना करनी होती है ना, तो इसलिए ना सर हम 4:45 के तो बाद हो या 10 से पहले हो तो सर 10 रहेगा वाले. तो सूर्य ग्रहण की साधना भी हम कराने वाले हैं सर.
सर ये एथिक का मंत्र जो है वो आई मीन वी गॉट टू कंटिन्यू सेइंग दैट कंटिन्यू करते रहो वी कैन कंटिन्यू एंड सेकंडली इन केस इफ वी हैव टू इनवोक एथिक इज इट वेरी नेसेसरी टू कीप एनीथिंग सपोज इफ वी डोंट हैव वी कैन जस्ट गिव हिम ग्रेटिट्यूड आई मीन ग्रेटिट्यूड इज ओके बट एट लीस्ट डू समथिंग फ्रॉम मेंटली देयर इज एनी प्रोसीजर सर मतलब मेंटली का मतलब क्या होता है How do you Sir, offer by mentally? Close your eyes, offer the flower mentally. Okay. Yes, offer the food mentally. Okay. Simple si baat hai. Thank you, sir. Thank you. Sir, Dimple bol rahi hu. Sir, ye advanced Lama Fera wali kab start hogi? Advanced Lama Fera wali, we are starting from 15, na, right? 15. ठीक है sir. और 21st से ये वाली. ये वाली. आपने नाम सुना है गरुण गरुण जी का गरुण किसके वाहन है विष्णु जी के वाहन है स्पेशली शैमनिज्म में गरुड़ को फिनोक्स के रूप में माना गया है अ फायर बॉल जो खुद मृत्यु होने के बाद फिर उसकी अपनी जो जो क्या बोलते हैं राख से फिर एज ए क्रिएटेड हो जाती है सो ये स्पेशली इट इज बेसिकली द साधन ऑफ योर मूलाधार चक्र फिनक्स इज द साधन ऑफ योर मणिपुर चक्र गुरुजी आए हाँ जी गुरुजी मैंने आपको 5 जून को मैसेज भेजा था आप बहुत बिजी हो आपने नहीं देखा है प्लीज एक बार देखिए मैंने इसलिए बोला देखो मेरे ने यहाँ पे 1200 से ज्यादा मैसेज आ चुके हैं आई कैन अंडरस्टैंड आई कैन अंडरस्टैंड आप अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो दो बार फिर से कर लीजिएगा नहीं तो ना हमारे यहाँ पे क्लास में मनीषा जी है ओके मैं आप लोगों को मनीषा जी का फोन नंबर दे दूंगा आप ना एक बार मनीषा जी से उसे कर लीजिएगा ओके जस्ट वेट अ सेकंड आई एम गिविंग यू द नंबर ऑफ मनीषा जी ओके यहाँ पे चैट में लिख रहा हूँ मनीषा जी आपका फोन नंबर दे दीजिएगा एक बार सब लोगों को Send it across. ठीक है सब लोग यहाँ पे देख लीजिएगा अगर आपका अपॉइंटमेंट वगैरह चाहिए तो अभी के लिए बैठा लीजिए थोड़ा बिजी है तो अभी मनीषा जी देख रहे हैं अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो एक बार मनीषा जी को थोड़ा सा आप रिमाइंडर भेज देना दीपक जी 408919268 दीपक जी हाँ जी सर मीनू बोल रही हूँ हाँ जी मीनू जी सर मैंने बहुत मैसेज आपको किया अच्छा। आपने चेक नहीं किया एंड सर वो मैंने आपके व्हाट्सएप पे वो लेवल 2 के लिए भी भेजा है तो आप चेक कर लीजिएगा अच्छा, ठीक है सर थैंक यू सर हेलो गुरु जी ये पूछना था कि आपने येति की साधना अभी भी कंटिन्यू करनी है तो उनकी जो साधना हमने तो वो मेडिटेशन करके और वो ड्रम की चैंटिंग के साथ ही करनी है कि उसके बिना भी अब कर सकते हैं उसके बिना भी कर सकते हैं मतलब अब हम फर्दर कर सकते हैं उसके बिना भी ना हाँ जी कर सकते तो विदाउट एंसेस्टर मुझे एक प्रॉब्लम पूछना था सर एक क्वेश्चन है सर जब अब ऐसा होता है सर जब मैं आसन पे बैठता हूँ तो कभी वाइब्रेशंस आते हैं जैसे कुछ नीचे से हिला रहा है सर क्या इसका कोई रीजन हो सकता है ये खाली मेरी कल्पना हो सकती है देखो इसका मतलब है कि अभी भी आपकी फिजिकल बॉडी रेडी नहीं है एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर अभी भी आपकी फिजिकल बॉडी उतना आई मीन जितना एनर्जी को हैंडल करनी चाहिए ना आपकी फिजिकल बॉडी वो एनर्जी अभी भी आपकी फिजिकल बॉडी हैंडल नहीं लेकिन सर उसमें बहुत अच्छा सा फील होता है जैसे कोई अच्छा सा फील इज अ डिफरेंट थिंग सर ओके मान के चलो
अगर हमारे अंदर गुरु भी आ जाते हैं ना तो लोगों को किसी को भी पता नहीं चल जाता है कि अभी सब डॉक्टर सुविधि बोल रहे हैं या फिर डॉक्टर सुविधि के गुरु जी बोल रहे हैं। क्योंकि जब भी ऐसा मेडिटेशन वगैरह लेते हैं तो ना लेने वाला मैं नहीं हूँ, पहली चीज तो उस्ताद के जो होते हैं ना उस्ताद बोलते हैं ना जिसको, वो लोग आके लेते हैं, ठीक है ना। मगर किसी को भी पता ना चले कि आपके अंदर क्या है, बिकॉज योर पावर ऑलवेज शुड बी केप्ट सेक्रेट। ओके, अगर मान के चलो यहाँ पे आपने शेयर कर दिया, दिस इज गुड थिंग सो दैट यू कैन कीप अवेयर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। अगर आप बाहर जा रहे हो कहीं पे भी, अगर किसी ने आपको कांपते हुए देखा, अगर आपको किसी ने वाइब्रेट करते हुए देखा, दे विल अंडरस्टैंड कि आपके अंदर कुछ तो है। देयर आर मेनी पीपल हु कैन ग्रैब इट सर। वो तो जैसे मान के चलो एक अंधा होता है उसके लिए क्या चाहिए, आंख। एक बहरा होता है उसके लिए क्या चाहिए, एक लंगड़ा होता है उसके लिए क्या चाहिए पैर। एक चोर होता है उसके लिए क्या चाहिए, एक वैम्पायर होता है, एक एनर्जी वैम्पायर होता है उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। तो जब आप खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हो कि मेरे पास एनर्जी है तो कितना खुश हो जाएगा, वो क्या हम बहुत खुश हुआ है ना। So I will announce about the level second. Okay, I'll announce every detail about the Lama Fera, about the advanced shamanism, and about this coming Gupta Navaratri. Gupta Navaratri का मतलब देखो सबसे बड़ी चीज़ है ना, Gupta Navaratri को इसलिए important दिया गया है कि जो शरद नवरात्रि है या फिर जो चैत्र नवरात्रि है, जो रामनवमी के टाइम की नवरात्रि और जो दूसरी नवरात्रि, दैट इज ओपन फॉर एवरी पीपल एंड ड्यूरिंग दैट टाइम योगी बिकम बिजी। ओके, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को कुछ देना होता है, इसलिए गुप्त नवरात्रि तो टाइम ओनली फॉर द योगीज, ओनली फॉर द साधकास, कि किसी को भी इसके बारे में ज्यादा पता ना चले। और दिस टाइम एनर्जी विल बी मोर इंटेंस। नवरात्रि में you are going to do the puja or worship of navaratris, I mean navadurgas, but during gupta navaratri you are going to do the puja of das mahavidyas. So energy apne apne difference hai, theek hai na. Das mahavidya aur zyada khunkhar hai, aur zyada kya bolte hai, they are more aggressive and they are more powerful. लास्ट ऑनलाइन क्लास की अगर आप फेसबुक में जाइएगा, मैंने फेसबुक में लाइव कर दिया था, तो फेसबुक लाइव में है उस ग्रुप में। आज मैंने रिकॉर्डिंग किया है, तो आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग। आई होप यू आर वेरी वंडरफुल डे एंड मे इट ब्लेस यू ऑल। नमस्ते।